टैपिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में एक ऐसा प्रोसेस जो आउटपुट वोल्टेज को आसानी से रेगुलेट कर सके। इस कड़ी में जो हेल्प करता है, जो डिवाइस हेल्प करता है, उस डिवाइस का नाम होता है टैप चेंजर। तो टैपिंग एक आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने का प्रोसीजर है, जिसमें आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने में जो डिवाइस हेल्प करेगा उसका बेसिकली नाम होता है टैप चेंजर। यहाँ पे टैपिंग जो है वो ट्रांसफॉर्मर में प्रोवाइड की जाती है, जो वोल्टेज लेवल है जब उसके लोड को हम कनेक्ट कर देते हैं। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज को ऑब्टेन करने का होता है। जो टैपिंग है उसका जो बेसिक एम होता है वो यही होता है कि डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज आसानी से ऑब्टेन की जा सके। जनरली जो टैपिंग है इसको पावर ट्रांसफॉर्मर्स में यूज किया जाता है, यानी जो टैप चेंजर्स होते हैं उन टैप चेंजर्स को पावर ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है। जब ऑपरेटिंग कंडीशन होती है ट्रांसफॉर्मर की और वहां पे किसी भी प्रकार की जरूरत है, आउटपुट जो वोल्टेज है उसमें चेंज की जरूरत है, तो उस केस में क्या होगा, हमें सबसे पहले रेगुलेट करना पड़ेगा आउटपुट वोल्टेज का, क्योंकि हमें जो डिजायर्ड वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करना जरूरी है। इस टास्क को करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स की टैपिंग की जाती है, और जो टैपिंग होगी वो जनरली जो पावर ट्रांसफॉर्मर है उनके हाई साइड में की जाती है। अब हाई साइड में कोई करने का जो रीजन होता है सबसे बड़ा, वो की पॉइंट्स हैं कुछ, इनकी सहायता से हम समझ पाएंगे। क्योंकि हाई वोल्टेज जो वाइंडिंग्स होती है दे आर ओवर एलवी वाइंडिंग्स, मींस जो लोअर वोल्टेज की जो वाइंडिंग्स होती है वो नीचे की तरफ होती है, जबकि उसके ऊपर जो रहती है वो हाई वोल्टेज की वाइंडिंग्स रहती है। मींस जो हमारी इनपुट आती है जहां से पीछे की तरफ से सप्लाई आई, मान लीजिए यहां पे हाई वोल्टेज 11 केवीए की सप्लाई आई, तो यहां जो प्राइमरी वाइंडिंग्स है उनके हमने कनेक्ट कर दिया, इसके नीचे सेकेंडरी वाइंडिंग्स होंगी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो होंगी वो यहां पे एलवी साइड होगी और उसके बाद वहां पे लोड का कनेक्शन होगा। तो ये जो वाइंडिंग्स है ये वाइंडिंग इसीलिए हाई वोल्टेज साइड में लगाई जाती है ट्रांसफॉर्मर में, क्योंकि हाई वोल्टेज जो वाइंडिंग्स होती है वो एलवी वाइंडिंग्स के ऊपर होती है, तो इसलिए बहुत आसानी से इनका कनेक्शन किया जा सकता है। दूसरा जो होता है, जो हाई वोल्टेज जो साइड होती है वहां पे नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होती है ट्रांसफॉर्मर में, मींस जो कोर है हमारी उसके ऊपर जो हमने हाई वोल्टेज साइड की जो वाइंडिंग्स लगाई है उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू अदर साइड, मींस दूसरी जो साइड रहेगी जो लोअर साइड रहेगी उसके नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कम रहेंगी, तो वहां पे हमें क्या होगा, टैपिंग करने के पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, तो टैपिंग जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा आसानी से कर पाएंगे, और टैपिंग जब ज्यादा करने पाएंगे तो वोल्टेज को जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम बहुत आसानी से रेगुलेट करने पाएंगे। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, करंट वैल्यू जो होती है वो हाई वाइंडिंग्स में लोअर होती है, इसलिए जो टैपिंग है हाई वोल्टेज साइड में वो बहुत कम स्पार्क देगा और बहुत ही कम वहां पे वीरिंग होगी, जो कॉन्टेक्ट रहेंगे उनमें बहुत ही कम वीरिंग होगी, इसी वजह से जो टैपिंग है वो ट्रांसफॉर्मर में हाई वोल्टेज साइड में की जाती है। आगे बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में जो टैप चेंजर है वो चेंज करता है नंबर ऑफ टर्न्स सर्किट के अंदर, किस पर्पज से, टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज, यानी डिजायर्ड जो आउटपुट वोल्टेज हमें चाहिए तो उस कड़ी में टैप चेंजर जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ पे चेंज करता है और हमें डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी साइड में आसानी से मिल जाती है। तो ये बेसिक रीजंस होते हैं टैपिंग करने के हाई वोल्टेज साइड में, और टैप चेंजर लगाने का जो बेसिक फंक्शन होता है ट्रांसफॉर्मर में वो यही मेन है कि टैप चेंजर नंबर ऑफ टर्न सर्किट के अंदर चेंज करता है, जिससे हमें वहां पे डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी साइड में आसानी से मिलती है। अब यहां पे बात करते हैं, टैपिंग दो टाइप की होती है मेनली, एक होती है ऑन लोड टैप चेंजर और दूसरा होता है ऑफ लोड टैप चेंजर। ऑन लोड टैप चेंजर आप छोटे से फिगर से समझ सकते हैं, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है और इसके साथ में हमने लोड कनेक्ट कर दिया है। जब टैप चेंजर ट्रांसफॉर्मर जो है इसमें वोल्टेज को बहुत आसानी से रिड्यूस किया जा सकता है जब ऑन लोड कंडीशन है, मींस इसके साथ में जब लोड को कनेक्ट किया गया है उस कनेक्शन के ड्यूरिंग ऑपरेशन में हम आसानी से वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी वोल्टेज जो है उसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। बट ऑफ लोड, जैसा कि इसका नेम है कि इसमें लोड कनेक्ट नहीं होगा, यहां पे मैंने इस लोड को कट कर दिया है
तो ये एक ऐसी टाइप है जिसमें वोल्टेज को आसानी से रिड्यूस किया जा सकता है, बट इस केस में हमें सबसे पहले स्विच ऑफ करना पड़ेगा लोड को, मींस लोड को हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम आसानी से इसकी टैपिंग करने पाएंगे, यानी वोल्टेज जो है उसको रिड्यूस करने पाएंगे। बट ऑन लोड में हम वर्किंग ऑपरेशन में ड्यूरिंग जब ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन के दौरान आसानी से अपना वर्क कंप्लीट करने पाएंगे। तो ये है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर टैपिंग क्या है और टैपिंग के लिए जो डिवाइस है टैप चेंजर वो किस प्रकार से अपना फंक्शन करता है, साथ ही ऑन लोड टैप चेंजर क्या है, ऑफ लोड टैप चेंजर क्या है। थैंक यू दोस्तों।